विश्वान देवो सब तुर दुर्तान परासवो यद भद्रं तन्नासु नमो नमः। आइए सर्वप्रथम मैया रानी के चरणों की सर्वप्रथम छोटी सी वंदना है सभी भक्तों के। कि वैष्णो मैया की दुवरिया और कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की दुवरिया कटरा नगरिया चलो मैया की दुवरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की दुवरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। कुमारी हाथी मथा साजी चत है प्यारी ए अर्ध कुमारी हाथी मथा साजी चत है प्यारी और गुफा के अंदर त्रिपुंड रूपा बैठी है महतारी। अरे गुफा के अंदर त्रिपुंड रूपा बैठी है महतारी चरण गंगा की लहरिया चरण गंगा की लहरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की दुवरिया वैष्णो मैया की दुवरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की दुवरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। अरे गुफा के अंदर सिंहराज है माता जी की सवारी अरे गुफा के अंदर सिंहराज है माता जी की सवारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति दुनिया सारी मुस्लिम सिख ईसाई जाति दुनिया प्यारी भैरो बाबा की दुवरिया हो भैरो बाबा की दुवरिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की दुवरिया
वहां पर सबकी झोली भरती। बोलो वैष्णो मैया के, ए जो भी जाता भक्त वहां पर सबकी झोली भरती। राजा हो या संत भिखारी सबका दुख हर लेती। भिखारी सबका दुपहर लेती। ऐसी मेरी है महतारी, ऐसी मेरी है महतारी, कटरा नगरिया चलो देख आई। विपिन शास्त्री लखनऊ वाले भजन में समझावे, विपिन शास्त्री लखनऊ वाले भजनों में समझावे। दिलीप स्टूडियो लखनऊ के रे कैसे खूब बनाए, लखनऊ के रे कैसे खूब बनाए। अंकित भैया टेनिस वाले ढोलक रहे बजाए, प्यारो चेला शिष्य हमारा चिमटा रहो बजाए। गुरुवर कितनी करूं बड़ाई, गुरुवर कितनी करूं बड़ाई, जानो हो हम करियो आज हाँ। वैष्णो मैया की द्वारिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की द्वारिया कटरा नगरिया चलो देख आई। हो वैष्णो मैया की द्वारिया कटरा नगरिया चलो देख आई। वैष्णो मैया की द्वारिया कटरा नगरिया चलो देख। परम पूजनी हमारे संत महात्मा विद्वान आदर के बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, जो भक्त लोग आज दिलीप स्टूडियो चैनल के माध्यम से ये भगवान की पावन कथा एवं सत्संग सुन रहे हैं, सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत सादर सम्मान है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप लोगों के समक्ष में परम पूजनीय गुरुदेव श्री नीलकंठ महाराज जी के आशीर्वाद से मैं विपिन कुमार शास्त्री लखनऊ वाले आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग को लेके आया हूं। भगवान की पावन कथा आप लोगों के समक्ष में लाया हूं, जिसके प्रोप्राइटर परम पूजनीय श्री मूलचंद चौरसिया जी लखनऊ, कथा के लेखक एवं आप लोगों के समक्ष में ये भगवान की पावन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं।
परम पूजनीय गुरुदेव श्री नीलकंठ महाराज के आशीर्वाद से भगवान की पावन कथा सादर आप लोगों के समक्ष में गाने का प्रयास करूंगा। तो आ जाइए मित्रों, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए भगवान की पावन कथा की तरफ चलते हैं। भगवान श्री राम ने क्यों अवतार लिया, इसका कारण क्या था जो भगवान श्री राम अवतार लिया? वैसे कारण तो रामायण में बहुत बताए गए, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्य एक कारण बताता हूं जिससे भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। भाइयों, रामायण सतकोटि अपारा नाना भांत राम अवतारा। भगवान श्री राम के अवतार वैसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक उसमें का अवतार मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा ये कथा। जिस समय भगवान राम अवतार लिया तो क्यों लिया, रामायण में चौपाई है क्या? रामायण में चौपाई गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है। क्या लिखा? अरे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ पाप असुर अभिमान। अरे जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़ई पाप अधम अभिमानि। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई पाप असुर अभिमानी। यानी जब जब इस मृत लोक में अत्याचार ज्यादा होने लगता है तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम ने क्यों लिया, इससे भी एक मुख्य कारण है। क्या आप लोगों ने कथा श्रवण किया होगा, जिस समय भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, भगवान भोले बाबा कैलाश पर बैठे हैं, मैया पार्वती पास में बैठी हैं, उस समय क्या हुआ? अरे वही एक बट के नीचे सुंदर मृग छाल बिछाए हुए, सुंदर मृग छाल बिछाए हुए। भगवान त्रिलोकी बैठे हैं, गंभीर समाधि लगाए हुए। आज भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, पास में मैया पार्वती जी बैठी, लेकिन माता पार्वती ने दोनों हाथों को जोड़ करके भोले बाबा से निवेदन किया। क्यों? वैसे रामायण में प्रमाण मिला है, हमारी माताएं बहनों को एक बात इस कथा से सीख लेना चाहिए। क्या? माताएं बहनों से अगर
पति से कुछ कहना है तो रिक्वेस्ट करना चाहिए। आज माता पार्वती भोले बाबा से दोनों हाथों को जोड़ के एक बात बोली है। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी जरा हमें ये बता दो कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, क्या कारण है, हमें थोड़ी राम कथा सुना दीजिए। वाह, शंकर भगवान कितने खुश हो गए, कितने प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान कहने लगे, उमा तुमने बहुत बढ़िया बात कही। क्या बोली, क्या बोली मैया पार्वती स्वामी? अरे अति आरती पूछो सुर राया, लेकिन मैया पार्वती बोली, स्वामी एक शंका है हमारे अंदर। क्या शंका है? मैया पार्वती बोली, स्वामी अरे प्रथम सुकारण कहाउ पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभु धारी। पहले हमें ये बता दो, ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये सगुण के रूप में कैसे आ गया? ओहो, देखो शंकर भगवान का दिल गदगद हो गया। शंकर भगवान बोले, उमा क्या बोले? कि धन धन गिरिराज किशोरी, संसार में कोई नहीं है। वाह, क्या बात है। शंकर भगवान बोले, उमा तुम्हारे समान कोई नहीं। माता पार्वती बोले, स्वामी क्यों, ऐसा क्यों? ध्यान देना भाइयों, मैया पार्वती बोली, स्वामी ऐसा क्यों, हमारे समान क्यों नहीं है? तो शंकर भगवान बोले, उमा तुमने एक बात कही है। क्या बात कही है सुनो। अरे पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, अरे सकल लोक जग पावन गंगा।
प्रसंगा। अरे पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, और पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। सुनने की इच्छा जाएगी, समझना भाइयों, जो भगवान की पावन कथा सुनने के लिए इच्छा जाहिर करता है उसके समान दुनिया में या संसार में कोई नहीं है। आज भगवान शंकर जी से माता पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्म है ये सगुण के रूप में कैसे आ गया। तो शंकर भगवान थोड़ा यहाँ पे दुखी हो गए। क्यों? शंकर भगवान कहने लगे, उमा सुनो क्या बोले। अरे नारद श्राप दीन एक बारा, 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 एक कलप दे लगी अवतारा, एक कलप दे लगी अवतारा, शंकर भगवान कहने लगे। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, मैया पार्वती बहुत दुखी हो गई। मैया पार्वती बोली, स्वामी क्या आप कह रहे हो, क्या लिखा। अरे गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी, चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भजन तुम जानी, नारद विष्णु भजन तुम जानी, पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताओ जिनका गुणगान जिन दिन रात ले करते हैं नारद जी, उनको श्राप क्यों दे सकते। आहा मैया पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताओ नारद ने भगवान को क्यों श्राप दे दिया है। अरे कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, क्या बोली मैया स्वामी, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे का अपराध रमापति दीन्हा, क्या ए कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे काय अपराध रमापति दीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति दीन्हा, हमें ये बताओ कि ऐसा कौन सा कारण बना, कौन सा कारण बना जो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया नारद जी ने। शंकर भगवान कहने लगे, उमा
बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। सुनो, क्यों श्राप दिया नारद जी ने भगवान विष्णु को? भाइयों ध्यान दीजिएगा, एक बार नारद जी मृत लोक को घूमने के लिए आए तो नारद जी बंदो घूमते 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 हिमालय के पास में पहुंच गए। हिमगिरी की एक गुफा के अंदर नारद जी बैठकर भजन करने लगे। शंकर भगवान बोले, उमा अरे हिमगिरी गुहा एक अति पावन। नारद जी ने देखा हिमगिरी गुफा एक अति पावन, अर पहे समीप सुर शरी सुहावन। क्या ए हिमगिरी गुफा एक अति पावन, हिमगिरी गुफा एक अति पावन, और बहे समीप सुर शरी सुहावन। आज भगवान कहने लगे, जब नारद जी वहां पे पहुंचे सुंदर पानी बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी सुंदरता वहां पे। ओह, नारद के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस गुफा में बैठकर भगवान का भजन ना करूं। ओहो, एक गुफा के अंदर उसी बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। लेकिन क्या हुआ उसी समय एक घटना हो गई। क्या ध्यान देना, नारद जी भगवान का भजन जब करने लगे तो भाइयों इतनी कठोर तपस्या नारद जी करने लगे, देवता डर गए, यक्ष किन्नर डर गए। हाय हाय, क्या लिखा क्या लिखा, अरे मुनि गति देखी सुरेश डराना। भैया मुनि गति देखी सुरेश डराना, और काम ही गोट भीषण माना। क्या लिखा, ए मुनि गति देख सुरेश डराना, अरे मुनि गति देख सुरेश डराना, काम को ही भीषण माना। कठोर तपस्या करने लगे, देवता घबरा गए बंधु। उसी समय कामदेव के मन में विचार आया, हाय हाय लाओ नारद जी की तपस्या को डिगाऊं जाके मैं। और लोगों ये बात सच है क्या? क्या बात सच है? ये बात सच है, कोई धार्मिक काम करने लगो उसमें बहुत बाधाएं आती हैं। भागवत करवाने लगो, यज्ञ करवाने लगो, भंडारा करवाने लगो, लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ये पुरातन से ये रस्म चली आई भाइयों। आज नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं और कामदेव आ गए। कामदेव क्या कर रहे हैं ध्यान देना, हो चली सुहावन त्रिभुवन तैयारी। प्रसाद पढ़ावन हारी, चली
तो भाइयों क्या लिखा है रामायण में, काम को बढ़ाने वाली हवा चलने लगी। ओ लेकिन भाइयों एक बात हमारी याद रखिएगा, जिस पे भगवान की कृपा है, जिस पे उनकी छत्र छाया है, उनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। आज कामदेव बंधो पूरे नारद जी को भ्रमण करने लगे, लेकिन नारद जी नहीं दिख रहे हैं। और जब नारद जी नहीं दिखे, काम की वासना नारद जी को नहीं सताई, तो फिर कामदेव ने क्या किया, क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कामदेव ने देवताओं ने लेडीज को भेजा। और ये बात सच है लोगों, अगर किसी को उसके सत से डिगाना है तो उस लेडीज को उसके पीछे कर दीजिए, वो डिग जाएगा। ये बात सच है, रामायण भी है, रामायण में भी प्रमाण मिला। जिस समय हनुमान जी लंका गए, तो लंका जाते समय हनुमान जी को सबसे पहले कौन मिला, लेडीज मिली। कौन लेडीज मिली, सुरसा नाम की लेडीज मिली। फिर उसके आगे गए, कौन मिला, सिंह का नाम की लेडीज मिली। फिर उसके आगे हनुमान गए, कौन मिला, लंगनी मिली। तो भाइयों लेडीज को लगा दीजिए पीछे, दिख जाएगा। लेकिन नहीं, अगर परमात्मा की उस पे छाया है तो उसको कुछ नहीं होगा। आज नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उसी समय लेडीज आई। क्या नाम है उसका, हो दंभातिक सुन नारी रे हर तरह से रही रिझाई। बिल्कुल पाई महाराज कला में बहुत बड़ी प्रभी, अपनी तपस्या दिगी रहे हर राम चरण माले। भैया करियो हर का भजन ही अन दो दिन का मेला है, भैया करियो हर का भजन ही अन दो दिन का मेला है। भैया करियो हर का भजन ही अन दो दिन का मेला है। आप भाइयों रंभावती नाम की लेडी आई है और नारद जी को बंधो दिगाने लगी। भाइयों नारद जी को दिगाने लगी, लेकिन नारद जी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं नारद जी को हुआ। क्या लिखा रामायण में, नारद तपस्या में लीन रहे, की तपस्या में लीन रहे और मुनि मन का कला नहीं व्यापी, तपस्या में लीन रहे, मुनि मन का कला नहीं व्यापी। तपस्या में लीन रहे, तपस्या में लीन रहे, मुनि मन काम कला नहीं व्यापी, तपस्या में लीन रहे, मुनि मन
सुर नार नबीना असर नहीं पड़ा भाइयों, क्या लिखा है? अरे नारद को तब देख लियो, वाह, तब देख लियो, तब बहुत
बहुत उपाय किया लेकिन नारद जी को नहीं डिगा पाए। ओ राजा इंद्र ने विचार किया, अब मेरा इंद्रासन ना ऐसा हो चला जाए, आज नारद जी बंधो कामदेव जीत हो जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जो। नारद जी कामदेव जीत हुए, शंकर भगवान कहने लगे उमा और क्या बोले भोले बाबा। भाइयों क्या बोले नारद जी, जब कामदेव जीत हो जाते हैं तो नारद जी पीड़ा को लेकर के और चले हैं कहां, कीलई पीड़ा मुनि पर चले और जाय पहुंचे कैलासो, करी प्रणाम शिव से मिले मन में अति हुल्लास। शंकर भगवान बोले उमा जब नारद जी कामदेव जीत हुए तो नारद के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। भाइयों चाहे जितना रुपया हो जाए, चाहे जितना धन दौलत हो जाए, कभी घमंड नहीं करना। क्यों? घमंड जो है ये भगवान का भोजन है, कभी घमंड मत करिएगा। शंकर भगवान ने बोले उमा नारद जी सबसे पहले हमारे तीर आए, हमारे पास नारद जी आए, और जो ही नारद जी आए तो नारद जी आते ही आते अपना बखान करने लगे। माता पार्वती बोली स्वामी कैसे बखान कर रहे हैं नारद जी, सुनाओ जरा हमको भी। तो शंकर भगवान बोले सुनो। नारद जी बोले भगवान शंकर जी से क्या कि हिमगिर की शांति कंगा में। भगवान बोले मुनिवर अरे क्या कहने लगे हो आते ही आते। नारद जी बोले प्रभु मैं मृत लोक में इन हिमगिर की गुफा के अंदर इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी, क्या बोले हैं कि हिमगिर की शांति कंगा में मैं बैठा ध्यान लगा कर। प्रभु हिमालय की
में इतनी कंदरा में इतनी कठोर तपस्या करी, मैं कामदेव जीत हो गया हूँ। शंकर भगवान समझ गए, भोले बाबा समझ गए, का समझ गए, शंकर भगवान जान गए, नारद के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। मैंने पहले बताया बंद भैया, कभी सब कुछ कर लेना लेकिन कभी घमंड नहीं करना, कभी मत करिएगा घमंड। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं कामदेव जीत हो गया हूँ। तो शंकर भगवान बोले, मुनिवर कामदेव जीत हो गए, बढ़िया हुए, लेकिन जो बात हमसे कह रहे हो वो बात किसी से नहीं कहना। क्या बोले भोले बाबा? हो सुन नारद के बैन, लगे यूं कहन शंभु बरदानी, और तुम एक बात महाराज रे की लेना मेरी पानी। तुम एक बात महाराज रे लेना मेरी महानी, वो हमसे जो कुछ कही बात सही सुनो मन ज्ञानी, सुनो मन ज्ञानी, और जो कुछ कही औरों से होएगी बदनामी, जो कुछ कही औरों से होएगी हाँ बदनामी। कही अब किसी से ये मत कहना। नारद बोले, क्या ना कहूं? शंकर भगवान बोले, ये कभी किसी से मत कहिएगा कि मैं कामदेव जीत हो गया हूं, मेरा कुछ कामदेव नहीं कर पाए, ये अपने मुंह से बड़ाई कभी मत करिएगा। लेकिन भैया, जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है तो वो किसी की बात को नहीं सुनता है, ना तो मानता है और ना तो वो सुनता है। आज नारद के अंदर घमंड है, घमंड है। नारद जी शंकर भगवान के लिए बढ़िया अच्छी बात नहीं लगी, और ये बात सच है लोगों। क्या कोई वैसा आदमी हो दारू जुआ गांजा यूज करता हो, सेवन करता हो, पीता हो, अब अगर उसको छोड़ने की बात करोगे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अब नारद जी को जो शंकर भगवान ने ये बात कही, नारद जी को बहुत खराब लगी। और जब भैया नारद जी को ये बात खराब लगी तो हुआ क्या अंकित भैया? क्या हुआ कि शिव जी का वह उपदेश अमित मुन नारद को नाई भाया है।
शक्ति दुर्गे मैया के। आज बंधु शंकर भगवान से नारद जी वहां से चल दिया और चलते चलते नारद जी ने विचार किया, अब मैं कहां जाऊं। ए भैया, मैं बार बार कहता हूं सब कुछ करना लेकिन कभी घमंड नहीं करना। क्या लिखा, अब क्या हुआ, नारद जी कहां जाते हैं ध्यान दीजिएगा। कि विधि का विधान ब्रह्मा जी का, भैया विधि का विधान ब्रह्मा जी का, ए भैया विधि का विधान ब्रह्मा जी को, नहीं पातन मुनि को भाई है, और लेकर के बीरा चल दिन हो, नहीं पल की देर लगाई है, लेकर के बीरा चल दिन हो, नहीं पल की देर लगाई है। भगवान को बताया, बताने के बाद में ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए, और जो ही ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे तो नारद जी बस वही बताने लगे जो शंकर भगवान से बताया, काम जीत हुए ये है वो है, लेकिन शंकर भगवान ने जो बात कही थी वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मुनिवर जो बात हमें बता रहे हो अब किसी को बताइएगा नहीं। भैया नारद जी को फिर भी बात नहीं बढ़िया लगी, तो नारद जी ब्रह्मलोक से चल दिया। कैसे जा रहे हैं, विधि का विधान ब्रह्मा जी का, भैया विधि का विधान ब्रह्मा जी को, नहीं नहीं पातन मुनि को भाई है, लेकर के पीरा चल तीनों, नहीं पल की देर लगाई है। आज नारद जी को जब रहाइश नहीं पड़ी तो ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी बोले महाराज ए मुनिवार जो बात हमसे कह रहे हो ये बात किसी को बताना नहीं, क्यों? अरे आपकी बदनामी होगी साथ में हमारी भी बदनामी होगी। ये बात सच है लोगों, क्या हमारे पूर्वज पुरखा लोग कहा करते क्यों साथ पिसत घुनो भैया। आज नारद जी के बात समझ नहीं आई, ब्रह्मलोक से नारद जी चल दिया, और अब की कहां जा रहे हैं नारद जी ध्यान देना। कि सब को बताए के नारद मुनि अभिमान सहित हर्षाई गए, बैकुंठ लोक को तब नारद बैकुंठ लोक के द्वार गए। अभिमान सहित हर्षाई गए, ए भैया सबको बताई के नारद मुनि अभिमान सहित हर्षाई गए, बैकुंठ लोक को तब नारद बैकुंठ लोक के द्वार गए। तो बता दिया, आप किससे मैं बताऊं, कामदेव जी तो हुआ हूं। ए भैया तो नारद जी कहां, नारद जी अब कहां जा रहे हैं
वैकुंठ लोक नारद जी जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास में। शंकर भगवान बोले उमा नारद बाबा जी की कहानी कुछ अलग ही है। अब गए भगवान विष्णु के पास में और जब भगवान विष्णु के पास में नारद जी पहुंच गए तो क्या हुआ क्या हुआ? अरे नारद